हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पावर सेक्टर के बारे में। पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर के बारे में अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या चाहते हैं या कर रहे हैं तो फ्यूचर में आप सभी को बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अभी जो शेयर 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया के आसपास चल रहा है उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, मल्टी बैगर बनेगा। आज इस सेक्टर पर काफ़ी काम चल रहा है। इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस सेक्टर पर काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में पावर सेक्टर की बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। इस चैनल पर पावर कंपनी इंडोवेंड एनर्जी पर भी वीडियो बनाया गया था, जिसमें हमने 10 रुपये पर इस स्टॉक को, इंडोवेंड एनर्जी को रिकमेंड किया था और आज इस शेयर का प्राइस 33 रुपये पर आ गया है। जिस इन्वेस्टर ने भी इस स्टॉक को, इस शेयर को खरीदा होगा उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा और आगे भी मिलता रहेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में, जिसका मार्केट कैप 7539 करोड़ का है और इसका प्राइस अभी बहुत कम है, 8 रुपया 50 पैसा के पास चल रहा है। कंपनी जो है अपने कर्ज को कम कर चुकी है और कंपनी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग इस स्टॉक में 16.41% की है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है और इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के व्यू से। इन्वेस्ट करने के पहले खुद से रिसर्च करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एक और स्टॉक जिसका नाम है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, इस स्टॉक का मार्केट कैप 40.5 करोड़ का है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 26.02% की है। करंट प्राइस इस स्टॉक का 5.90 रुपये चल रहा है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की, इस कंपनी की 10 रुपये की है। तो इस स्टॉक में भी, इस शेयर को भी बाय किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के व्यू से बाय करें, खुद रिसर्च करें तभी बाय करें। आप सभी को ये स्टॉक कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।